राजकीय महाविद्यालय नोटा सूर्या में आज वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य सुरेंद्र अत्री ने बताया कि इन खेलों का उद्देश्य विद्यार्थियों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में वृद्धि करना है। इससे छात्र आपस में सामंजस्य का महत्व समझते हैं और उनमें खेल कूद की भावना जागृत होती है। इस उपलक्ष्य पर मुख्यतः 5 खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक, ओलंपिक कूद, ऊंची कूद शामिल रही। गोला फेंक में काजल ने प्रथम, कोमल ने द्वितीय व अनु वाला ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पुरुषों के गोला फेंक में अनमोल मंडल ने प्रथम, आदित्य राय ने द्वितीय तथा विवेक कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि काजल व अनमोल मंडल को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। सभी विजेता खिलाड़ियों को प्राचार्य ने मेडल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नगरोटा सूरिया में एनुअल एथलेटिक मीट सेशन 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले इस इवेंट का जो आयोजन था वो दिसंबर एंड में किया जाता था, लेकिन इस बार हम नवंबर एंड में इसका आयोजित कर रहे हैं, ताकि जो बच्चा इन इवेंट्स में जो फर्स्ट सेकेंड पोजिशन हासिल करेगा वो बच्चा आगे इंटर कॉलेज एथलेटिक मीट जो मैं जो वो पार्टिसिपेट करे, और वहाँ पर अगर मान लो बच्चा फर्स्ट आता है तो वो आगे जो है वो इंटर यूनिवर्सिटी या नेशनल गेम्स में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस इवेंट में जो है वो बच्चा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, यानी कि टोटल हम इस इवेंट में इस गेम में 5 इवेंट्स कर रहे हैं। इन 5 इवेंट्स में से जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 इवेंट्स में जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, और इन 3 इवेंट्स के बेस पर जो है वो हम बेस्ट एथलीट जो है वो बॉय और बेस्ट एथलीट जो है वो गर्ल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और उन बच्चों को जो है वो एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो जनरल फरवरी या मार्च में होगा उसमें उन बच्चों को जो है वो ऑनर किया जाएगा।